फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक बर्तारे वंस अगेन बिफोर ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एसएससी स्टेनोग्राफर ईयर 2019 2019 और 2020 का नोटिफिकेशन अब आ चुका है, तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बस हम अपनी तैयारी में जुट जाइए। माहौल अभी ठीक हो गया है, कैलेंडर भी आ गया है एसएससी का, बहुत सारे एग्जाम उसमें कंडक्ट होंगे, इसमें से आपका एसएससी स्टेनो ग्राफर का भी 2019 और 2020 देखिए आपके लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि इतना सुनहरा मौका आपके लिए और अब कब देखने को मिलेगा। देखिए माहौल स्थिति परिस्थिति में हमेशा कहता हूं कि जैसा स्थिति परिस्थिति होती है वैसा आदमी को काम करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा अभी जॉब्स को लेकर के आंदोलन वगैरह चल रहे थे, सभी कुछ स्टूडेंट्स ने किए थे, इसी के तर्ज पर देखते हुए आप देखिए वैकेंसी आ गई है, उनके परिणाम स्वरूप आगे का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, क्या होगा, कितना लेट एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, इसका डिसाइड कर पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। लेकिन आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखिए, आपके आपको 2019 और जिनका नो ना हो पाए इस बार भी उन्हें 2020 में करने का मौका मिल रहा है। तो अब आपसे अपेक्षा यही की जा सकती है कि आप अब अंदर से अपने आत्मा से आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। जिन लोगों का मन नहीं लग रहा था, अब उनके पास भी कोई बहाना नहीं कहने के लिए कि कोई वैकेंसी नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी अब कमर कस लीजिए, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आगे जाके सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें पता नहीं क्या सिस्टम होगा, कैसा सिलेबस एड किया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और मेरे अपने पर्सनल अनुभव से ये अभी तक का आपके पास सबसे अच्छा मौका है, इसे भुना लीजिए, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए और दिन रात पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ऐसी पढ़ाई कीजिए कि हमें बस अब और कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल पढ़ाई ही दिखाई देती है अभी नवंबर तक, और आने वाले अगले जो 2020 का एग्जाम है आपका फरवरी या मार्च में जो एग्जाम है उसको आप अच्छी तरीके से करना, उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करिए। देखिए बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि सर क्या किताब पढ़ी जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो देखिए दिव्यांश बर्तारे सर ऑलरेडी इंग्लिश की क्लासेस आपकी ले रहे हैं, यूट्यूब पर भी ले रहे हैं, पेड कोर्सेस में भी ले रहे हैं। तो मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप जो लोग किताब पढ़ के रहे हैं कि सर कौन सी किताब ले लें, देखिए किताब आप कितनी भी इकट्ठी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी किताबें इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन किताब केवल आपको नॉलेज दे सकती है, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा आपको एक शिक्षक ही दे पाएगा। किताब के सहारा लेकर के आपको एक्सप्लेनेशन एक शिक्षक ही दे सकता है। और जितनी भी इस चैनल पर के माध्यम से सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। देखिए क्या होता है, हर एग्जाम का एक बेसिक प्रारूप होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है उसका, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, इंग्लिश का भी बहुत बड़ा है, आपको पता है जीएस का भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक एग्जाम में स्पेशली पूछे ही जाते हैं। तो उस एग्जाम की तैयारी जो कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, आपको स्पेशली इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रही है। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि एक ही चैनल जो कि स्पेसिफिक एक ही एग्जाम पर फोकस कर रहा है, आपको ऐसी सुविधा और कहां मिलने वाली है। तो इस अवसर को भुनाइए, जितना स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज इनफ टू स्कोर 170 मार्क्स इन द एग्जाम। इतना स्टडी मटेरियल जो है चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, यदि कोई स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका एक 170 मार्क्स उसके स्कोर हो जाएंगे बड़ी आसानी से। कोई भी चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी एग्जाम में, चाहे वो जीके हो, अजय सर हो, चाहे दिव्यांश सर हो इंग्लिश के माध्यम से, और चाहे रीजनिंग का हो। रीजनिंग की भी अभी कुछ क्लासेस मैंने दो ली थी, थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया था, बट मैं कोशिश करूंगा कि हर दो या तीन दिन में आपके लिए एक ना एक वीडियो लेकर के आई जाए, जिससे आपका जो कठिन से कठिन टॉपिक है वो भी मैं उसमें कवर कराने की कोशिश करूंगा। सेट पेपर भी आपको बताऊंगा कि किस पेपर से लगा है, मतलब बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए ये तैयारी करने का। और एक चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें बड़ी तत्परता से आपको हर चीज के बारे में अवगत कराया जाता है, चाहे वो एसएससी का नोटिस हो या कैलेंडर हो एग्जाम का, कोई भी चीज से आपको बड़ी ही जल्दी अवगत कराया जाता है। तो आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं
और अब इस चैनल से आप जुड़ जाइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं। बड़ी मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने रीजनिंग की वीडियो डाली, उस पे 2000 ही व्यूज आए या 1.5K ही आए। अच्छी बात है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ, अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं वो तो एटलीस्ट देख ही रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि औरों तक भी आप ये संदेश पहुंचाएं, जो लोग इस बात से अवगत नहीं है या जो स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं है उन तक भी सामग्री पहुंचे और वो भी अपना सिलेक्शन एंश्योर कर सकें। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। एक एक चीज, एक एक वीडियो देखिए, चाहे वो पेड कोर्स की हो, चाहे वो यूट्यूब पर डाली गई वीडियो हो, जो दिव्यांश सर का पेड कोर्स चल रहा है, अजय सर का पेड कोर्स चल रहा है, चाहे उसकी वीडियो हो, चाहे आपके यूट्यूब पर, आप सारी वीडियोस को कवर कीजिए। जो जो भी आपको बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, उस चीज को आप बस फॉलो करते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। बस निरंतरता, प्रैक्टिस, जितने से ज्यादा हो आप सेट पेपर लगाइए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए भी आप सेट पेपर लगाइए, टॉपिक्स को कवर कीजिए, इंग्लिश में भी टॉपिक वाइज कवर कीजिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो टॉपिक वाइज कवर करें, जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो सेट पेपर्स को मतलब प्रैक्टिस करते रहें, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप नंबर लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आप बाद में तैयारी करेंगे, फिलहाल आप अब रिटर्न एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से जुट जाइए। और इसमें ये दिव्यांश भरतारे चैनल आपके साथ में है, जो दिव्यांश सर द्वारा शुरू किया गया है, वो भी मेहनत करेंगे आपको कि आपका सिलेक्शन हो, आप सिलेक्शन एंश्योर कर सकें, इस तरीके का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत ही जल्द मैं रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड करूंगा।